हाय एवरीवन, क्या हाल चाल? प्रैक्टिस हो रही है? प्रैक्टिस करते रहो भाई, करते रहो। तो आज हमारा सेशन था बॉडी बैलेंस का, है ना? बॉडी बैलेंस के लिए क्या करना है क्या नहीं, मैं ये सब कुछ बताने वाला था आप लोगों को, ठीक है? तो क्या है ना कि इसको रखते हैं पहले। हाँ मेरे भाई, दिख रहा हूँ। ओके, तो आज की क्लास यही होगी भाई, ठीक है? तो बॉडी बैलेंस भाई, आपको याद हो तो मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि बॉडी से ज़्यादा ब्रेन से मार्शल आर्ट सीखा जाता है, ठीक है? और आप सभी लोगों को पता भी होगा मैंने क्या बताया, ये तो स्पेशली। तो क्या है ना, बॉडी को बैलेंस करने के लिए आपको एक्सरसाइज जितना हेल्प करेगी उतना ही आपका कॉन्शियसनेस होना कंपलसरी है। आप जहाँ खड़े हो, कैसे चल रहे हो, ठीक है, कैसे भाग रहे हो, कैसे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, फिजिकली एक्टिविटी तो वर्कआउट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी कैसे वर्क कर रही है। अगर आप कॉन्शियस नहीं हो तो प्रॉब्लम भी होगी, इंजरी भी होगी, और फिर आपको कॉन्फिडेंट भी नहीं होगा, कभी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट कभी आएगा ही नहीं आपको कि हाँ आप कभी कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे, कभी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आप जब भी कहीं भी खड़े होते हो तो दोनों पैरों पर इक्वल वेट रखना है, आपकी बॉडी स्ट्रेट बॉडी लाइक दैट, दिस वन, ओके, स्ट्रेट बॉडी, चेस्ट ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है ना ज़्यादा अंदर रखना है, स्ट्रेट, सिंपल, ओके, दैट सिंपल, ये ऐसे, ये दोनों पैरों पर बराबर वेट होना चाहिए आपकी बॉडी का। आप चल रहे हो तो बॉडी की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, आप भाग रहे हो तो बॉडी की पोजीशन ठीक होनी चाहिए। आपने कभी भी किसी मार्शल आर्टिस्ट को उबड़ खाबड़ चलते हुए भागते हुए नहीं देखा होगा, जो ट्रेंड होगा उसको, कभी उसकी बॉडी लैंग्वेज आपने ऐसी नहीं देखी होगी जैसी आप एक ऐसे इंसान को देखोगे जो फिजिकली अनफिट है या फिर जो इंटरेस्टेड नहीं है अपनी बॉडी के प्रति, नहीं होगा ना। वो इसीलिए नहीं होता कि जो ट्रेनिंग होती है उसकी, वो ट्रेनिंग इसी चीज़ के लिए होती है कि अपने आप को फिजिकली मेंटलिटी कंट्रोल करके चलता है, ठीक है? तो पहली बात तो ये कि बॉडी बैलेंस आप यहाँ से स्टार्ट होती है, आप जहाँ खड़े होते हो वहाँ से, आप बैठते हो वहाँ से, खड़े होते हो वहाँ से, ठीक है? एक एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ काम आती है यहाँ पे। हम चेयर, मैंने बताया था आपको कि आपके बेड, आपका चेयर, जो भी घर की प्रॉपर्टीज है वो आपकी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है पता है? आप लोग बैठते हो, मैंने भी कई बार ये ऑब्जर्व किया है, हम चेयर पे बैठते हैं, हम जब खड़े होते हैं तो उसको पकड़ के खड़े होते हैं, है ना? कई बार बैठते भी पकड़ के ही है, कई बार हम नीचे बैठते हैं तो हम हाथ टच कर देते हैं तब बैठते हैं, खड़े भी ऐसे ही होते हैं। तो बॉडी बैलेंस होगी कहाँ से भाई, कहाँ से होगी भाई? बॉडी बैलेंस तब रहेगी ना जब आप बॉडी को कॉन्शियसनेस यूज कर रहे हो। आपको पता ही नहीं आप कहाँ हाथ रख रहे हो, है ना, कहाँ पैर जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता। आप सो के खड़े होते हो तो बेड के हाथ लगा के तब आप बेड से उठते हो, नोटिस कर रहा है? मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे होते हो, लेकिन आप जब भी बेड से खड़े होते हो ना, तो जहाँ तक मुझे जितना आइडिया है, एक नॉर्मल आदमी जो कॉन्शियस नहीं है, वो बेड से जब भी खड़ा होगा तब बेड से हाथ टच करके ही खड़ा होगा। आप विदाउट हैंड बेड से खड़े होइए, सो के उठो या लेट के उठो या कभी भी बेड पे बैठे हो, तो बेड से जब उतर रहे हो ना, नीचे आते हो, तो हाथ मत लगाइए बेड के, हैंड टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे चेयर से उठो तो कोई ज़रूरत नहीं है, बेड से उठो तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये है बेसिक जो आपको कॉन्शियस रहना है, हमेशा कॉन्शियस रहना है। जब भी आप कहीं भी किसी भी जगह पर हो, घर में हो, बाहर हो, तो बॉडी को कंट्रोल रखना है और कॉन्शियसनेस में बैठना है। स्ट्रेट बॉडी रखो बैठते वक्त, चलते टाइम, उठते बैठते, हर टाइम पे बॉडी को ठीक रखो, ठीक है? नाउ कुछ इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको, ये योगा भी है, आसन भी है, ठीक है? जैसे यहाँ पे कंक्रीट बहुत है,
सिंगल लेग पे खड़े होके, एक लेग ये और ये, सेम सेकंड, सेम ये आगे पीछे, एक लेग पे खड़े होके दूसरे को रोटेट करना है, सेम लेफ्ट, सेम लेफ्ट, ऐसे ही राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, कंक्रीट है भाई कंक्रीट नीचे, राइट लेफ्ट ये करना है आपको, ये एक पैर पे खड़े हो गए, ये ठीक है, सेम अपोजिट ये जितना ले जा सकते हो ले जाओ, ठीक है। एक ये भी है, ये भी करना है, और सिंगल लेग। पता है आप बचपन में आप कबड्डी खेले हो कभी? कौन सी कबड्डी? वो वाली नहीं, गेम वाली नहीं, जो हम बना के खेलते थे, ठीक है। आप कोई खेला हुआ कोई नहीं खेला हुआ, लेकिन सिंगल लेग से, सिंगल लेग पकड़ के सिंगल लेग पे जंप करते थे, ठीक है, दोनों से पत्थर उठा के, याद है? जिस जिसको याद है, जिसने खेला उसको याद होगा, जिसने नहीं खेला उसको नहीं पता, लेकिन सिंगल लेग पर, ठीक है, सिंगल लेग पर जंप करते हुए आगे बढ़ना है और सेम ऐसे पीछे आना है, फिर सिंगल लेग पर आगे बढ़ना है, फिर पीछे आना है, सिंगल लेग, ओनली सिंगल लेग पर, ठीक है, आगे पीछे, सेम लेफ्ट राइट, सिंगल लेग पर, लेफ्ट राइट, सिंगल लेग पर ओनली, दोनों लेग यूज नहीं करने हैं आपको। हाँ भाई, ये भी करना है, ठीक है। कोई भी यदि आपके वहाँ पे कुछ भी ऐसा है, जैसे रेल की पटरी है ना, ऐसा कुछ चलने के लिए आपको मिल जाए, तो आपको ये भी ट्राई करना है। बॉडी बैलेंस के लिए ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आई थिंक, मेरे हिसाब से तो। बाकी आप पुलअप कीजिए, पुशअप कीजिए, जो बेसिक है, जो सभी जानते हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो, पर करना है आपको। देखो, मैं ये वीडियो जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, ये उस पर्पज़ से की है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी इन वीडियोस को देख रहा है वो बिगिनर्स है, वो मुझे शुरू से फॉलो कर रहा है, मतलब कि उसने अभी कुछ नहीं किया है, वो स्टार्टिंग कर रहा है, या चाहे थोड़ा बहुत सीखा हुआ है जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है, मेरे हिसाब से तो। ओके, तो ऐसा है भाई, मैं बता रहा हूँ, फॉलो कीजिए आप, गलत कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। अगर गलत बता रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे किसी भी अच्छे से अच्छे ट्रेनर को फॉलो कर सकते हैं, और वीडियोस देख लो, अगर मेरी गलत लगे आपको तो, ओ ओ माय गॉड गॉड ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है भाई को, उसी हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अपना दोस्त अपना भाई समझ के, ठीक है, भाई बहन जो भी है। देखो, मेरा सिखाने का तरीका ऐसा ही है यार, मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज करके दिखाता रहूँ, मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ है ऐसी, आप देख सकते हो जाके, ठीक है, चैनल ओपन करो आप, बहुत सारी वीडियोज़ मिलेगी आपको, सिर्फ परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस है उनमें। अब मैं ऐसी वीडियोज़ बना रहा हूँ कि आप बोर नहीं होंगे, ठीक है, आपको एंटरटेन भी हो रहा है साथ साथ में। तो मेरा तो यही तरीका है, मुझे अच्छा लगता है कि वही वाली बात है कि पढ़ाते तो सभी है, लेकिन पढ़ाने का तरीका भी आना चाहिए, ठीक है। तो केवल मैं स्ट्रिक्टली आप लोगों को सिर्फ यही कहता रहूँ, ये करो वो करो ऐसा करो फलाना करो ढकाना करो,
नहीं है, अच्छा नहीं है, मुझे भी नहीं, मेरा भी मन नहीं करेगा कि यार मैं ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता हूँ किसी को। किसी की मर्जी है, सीखे सीखे ना सीखे, लेकिन जो सीखना चाहता है भाई एंजॉय करो, वीडियोज फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। काफ़ी दूर आ गया हूँ वैसे, वहाँ से आया हूँ, वो पेड़ है ना वहाँ से, ठीक है। ओके गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।